नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी बोले, किसानों के प्रति नरम रहें बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक से वित्तीय सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन की एक 20 वर्षीय वृहद योजना तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने बैंकों को गरीबों, खासकर किसानों को ऋण देने और वसूली करते समय नरमी का रुख अपनाने को भी कहा है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, इसका दर्द केवल अखबारों एवं टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब किसान मरता है तो क्या बैंकिंग क्षेत्र का दिल नहीं दहलता? गिरिराज सिंह की मानसिकता संकीर्ण, सोनिया गांधी ने कहा। गिरिराज सिंह के बयान पर गुरुवार को एक ओर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के कई स्थानों पर जमकर प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गिरिराज को संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए ऐसे बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बेंगलुरु में भी उस होटल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक प्रमुख चौराहे पर जमा हुए, जहां भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अब प्रदूषण पर भी नजर रखेगा ड्रोन। चीन ने वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए कई शहरों को अपनी चपेट में ले चुके धुएं की समस्या से निपटने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। यह पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों पर नजर रखने में मदद करेगा। पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के अधिकारियों ने बीजिंग, तियानजिन, हेबेई प्रांत और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण संबंधी निरीक्षण के दौरान मुख्य स्थानों पर नजर रखने के लिए मानव रहित हवाई वाहन तैनात किए हैं। राकेश सिन्हा आम आदमी पार्टी से निलंबित। आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राकेश सिन्हा को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। कुछ दिन पहले सिन्हा ने आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को बर्खास्त किए जाने और अनुशासन समिति के प्रमुख पद से प्रशांत भूषण को हटाए जाने के तरीके पर सवाल उठाया था। युवक ने दी जान, परिजन समझते रहे अप्रैल फूल। कानपुर में ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली और जब जीआरपी ने मृतक के मोबाइल नंबर से मिली जानकारी के अनुसार उसके घर पर फोन किया तो घर वालों ने इसे अप्रैल फूल समझा और घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। घटना शहर के बाहरी इलाके में स्थित गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर हुई। पीड़ित युवक जालौन जिले का रहने वाला था। 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब शाम तक घर वाले नहीं पहुंचे तो जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वाले बाद में जालौन से कानपुर आए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।